मुगलों के खिलाफ लड़ाई में निहंग भी सिख फौज में शामिल रहे और इस कौम के लिए शहादत देकर लड़ाई में कई बार फतह हासिल की। निहंग बाबाओं का कहना है, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की फौज में लड़कर कई बार मुगलों के दांत खट्टे किए। आज ये निहंग किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं। पानीपत के मैदान पर तीन ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी गई। ये तीनों लड़ाइयां दिल्ली को बचाने के लिए लड़ी गई थी, लेकिन इस बार किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। पानीपत से आज हजारों की तादाद में किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं और दिल्ली कूच में निहंग बाबाओं का भी अपना एक जलवा है। निहंगों का बूढ़ा दल पांचवा तख्त आप बाबा जी साइड डाले। बाबा जी, आज जरा किसान आंदोलन 6 महीने तो चल रहे हैं, तुसी दिल्ली जेड़े मोर्चाबंदी हुई है, निहंग भी उत्थे ताए तू बैठे, ताडा की रोल है इस किसान आंदोलन च? ते असीं निहंग सिंह आप खेती करने हैं, जमीना जायदाद ने, असीं किसान हैं खुद, असीं किसानों के नाल हैं। जिस तरह भी होएगा हर तरह किसानों के नाल हैं खड़े। जदों जदों देश वास्ते लड़ाइया लड़ी गई या मनुखता वास्ते लड़ाइया लड़ी गई, निहंगा का की योगदान दे, निहंगा ने लड़ाई च कितना साथ दिता? निहंगा सिंह ने जिन्नी भी लड़ाइया लड़िया ने दिल्ली फतेह की, सिंह ने 18-19 बार मुगलों तो कई रंग कब्जा किया सिंह ने। तुम कहते भी खेती करते हो, पर एक कोई हल क्यों नहीं निकला? 6 महीने हो गया, 12 साल गलबात हो गई, कोई हल क्यों नहीं निकल पा रहा? हल फिर अपना मोदी की बुद्धि से पड़ता पै गया, वो तगड़े घराण के कब्जे रहा गया, तो पब्लिक की गल नहीं मान रहा। अच्छा, जो तुहाडे किसान नेता जदों सरकार गलबात करते हैं, कोई फैसला आता, तुहाडी भी राय लई जांदी उहदे च? असीं राय नहीं देंदे, असीं तो बैठे हाँ किसानों की मदद से। आप किसान जो करनगे फैसले अगे लगे लागू, असीं उहनां दे नाल सहमत हाँ। तो आज हजारों की तादाद में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, जैसा हमने दिखाया, इनमें निहंगों की भी पूरी फौज है। इनका ये कहना है कि जो लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को किसान जीतेंगे और हमारा समर्थन उनके साथ रहेगा, क्योंकि हम भी किसानी से, हम भी खेती से जुड़े हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत, बीरू।